अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ खूबसूरत ड्रेस डिजाइनिंग फॉर समर। बट ये जो डिजाइन्स हैं आप इनको समर और विंटर दोनों ड्रेसेस पर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और दिखाती हूँ आपको डिजाइन के आज की वीडियो में जी क्या क्या ड्रेसेस है। सबसे पहला ड्रेस मेरे पास डी पिंक कलर में है, बहुत ही खूबसूरत कलर है ड्रेस का। नेकलाइन इसमें ट्राइंगल और लूप्स के सीक्वेंस के साथ बनाई गई है, ये देखें जिस तरह से। शर्ट को ओपन स्टाइल लुक दिया गया है और ओपन स्टाइल लुक में लूप्स और ट्रायंगल्स का सीक्वेंस है, एक लूप है और एक ट्रायंगल है, ओपोजिट साइड्स में लगे हुए हैं। पैनल्स में रिंग लैस अटैच की गई है, रिंग लैस को कुछ इस तरह से अटैच किया गया है। नीचे उसमें सेम शर्ट का जो है फैब्रिक लगाया गया है, स्लिट से तकरीबन 3 इंच नीचे तक, ठीक है, जहां से स्लिट ओपन हो रहे हैं वहां से 3 इंच नीचे तक। और जो इसकी ओपन आ रही है ये देखें, यहाँ पर आपको इसका सीक्वेंस समझ में आएगा। ये देखें, एक लूप एक ट्रायंगल है, बिल्कुल इसी तरह से ऑपोजिट साइड्स में इस तरह मैच करके लगाए गए हैं ताकि जब ये आपस में जुड़े तो बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ नजर आए। फ्रंट बैक दामन में कटवर्क किया गया है, ये एप्लिक वाला जो पैच है ये ड्रेस के साथ आया था, इसको जस्ट एप्लिक करवाया है और इस तरह से फ्रंट बैक दामन में एक्सटेंड करके लगाया है। स्लिट्स में इसके जस्ट इसमें जो है वो पाइपिंग की गई है कुछ इस तरह से, ये देखे, ताकि इसके जो स्लिट्स है वो थोड़ी नीट हो जाए। बैक साइड इसके बिल्कुल प्लेन है और बैक दामन में ऑर्गेन्जा का एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है। नेकलाइन इसकी राउंड है कुछ इस तरह से, ये देखें, ये नेकलाइन राउंड आ रही है। स्ट्रेट शर्ट है जो इसका दामन है, इसमें ऑर्गेन्जा का बॉर्डर है और साथ में नीचे जो है वो उसी तरह से कटवर्क करवाया गया है। अब आपको दिखाऊंगी ड्रेस के स्लीव्स। ड्रेस के स्लीव्स सिंपल है और सामने लेस लगी हुई है, बट ड्रेस का ट्राउजर बहुत नाइस है। दुपट्टे में जो बॉर्डर है उसको एक्सटेंड करके लगाया है, तो आप बॉर्डर जब एक्सटेंड करके लगाएं तो उसको कैसे ग्रेसफुल कर सकते हैं। ये ट्राउजर है, ट्राउजर में ये देखिए कटवर्क बनाए गए हैं और नीचे इसमें दो दो पिनटेक्स का सीक्वेंस है। जो नीचे फैब्रिक पट्टी आ रही है ना उसमें दो दो पिनटेक्स का सीक्वेंस है। यहाँ पर शायद इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, ऑल ओवर लुक में ये आपको बिल्कुल क्रीप से नजर आएगा, वहां पर इसका क्लियरली स्क्रीनशॉट ले सकती है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका दुपट्टा। ये जी इसका दुपट्टा है, लंबाइयों का बॉर्डर साथ में अटैच था और इसको लेस लगा दी है ऑलराउंड फैशन पट्टी के साथ। सॉफ्ट ऑर्गेन्जा दुपट्टा है इसका। मैं आपको इसके पल्लू दिखाऊंगी जिसमें बॉर्डर जो है उसको एक्सटेंड करके लगाया है, ये देखें जिस तरह से पल्लू में बॉर्डर को एक्सटेंड करके लगाया है। तो क्या किया हमने, थोड़ी सी चौड़ी लेस बेस कलर में डाई करवाई है और उसको जो है बॉर्डर को एक्सटेंड करके लगा दिया, जिससे लुक भी अच्छी आ गई है और जोड़ वाजे भी नहीं हो रहा। अब आपको दिखाऊंगी ड्रेस की ऑल ओवर लुक, ये देखें जी, ये नेकलाइन में लूप्स और ट्राइंगल्स लगे हुए, आप यहाँ करीब से इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पैनल में ये रिंग वाली लेस आ रही है और ये देखें जी दुपट्टे में ऑलराउंड ये लेस है और ये देखें यहाँ इसमें ज्वाइंट लगाया है दुपट्टे में, कितना ग्रेसफुल लग रहा है ज्वाइंट। ये देखें यहाँ ऊपर लेस आ रही है दुपट्टे में और नीचे जो है वो इसमें ज्वाइंट आ रहा है। ट्राउजर का पांचा भी आपको क्रीम से दिखाऊंगी, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकती हैं इसका। ये ड्रेस मीडियम टू लॉन्ग लेंथ में बना हुआ है, आप चाहें तो इसको फुल लॉन्ग लुक में भी इस डिजाइन को जो है वो कैरी कर सकती हैं। ये देखें जी ये फाइनल लुक है ड्रेस की। यहाँ पर अब आपको स्लिट में इसके लगे हुए जो लूप्स और ट्राइंगल्स है ना वो भी क्लियर नजर आ रहे होंगे, ये देखें। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास जो ड्रेस है वो फुल प्रिंट ड्रेस है, शर्ट दुपट्टा है। नेकलाइन इसकी जो है वो पैर की पाइपिंग की गई है और उसके ऊपर जो है वो एंकर थ्रेड यूज किया गया है और ऊपर इसमें जो है ये बटन फिक्स होंगे। अभी तो ये इसमें फिक्स नहीं हुए हैं बट ऑल ओवर लुक तक ये जो है वो फिक्स हो चुके होंगे। डबल पैनल में शर्ट बनाई गई है, थोड़ी ए लाइन शेप में है, इस तरह से पैनल में लेस अटैच की गई है, मेहंदी ग्रीन कलर में लेस अटैच हुई है कुछ इस तरह से, ये देखें। पैनल में ऊपर ऑर्गेन्जा के ऊपर पिनटेक्स लगाए गए हैं और ऊपर और नीचे लेस के साथ इनको फिक्स किया गया है, ये देखिए यहाँ पर भी लेस आ रही है और ऊपर भी लेस आ रही है, सेंटर में जो है वो ऑर्गेन्जा के पिनटेक्स अटैच किए गए हैं, ये देखिए। फ्रंट बैक दामन में लेस को एक्सटेंड करके लगाया गया है, ये देखिए इस तरह से लेस को एक्सटेंड करके लगाया है और जो फैशन पट्टी रखी गई है वो भी मेहंदी कलर में ही रखी गई है, ये देखिए इस तरह से। पहले इसमें पैनल अटैच किए गए हैं और बाद में कटिंग करके वहां पर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक फिल किया गया है। स्लिट्स में इसके जीरो साइज में छोटी लेस आ रही है ताकि स्लिट्स इसके जो है वो बहुत नीट और एलिगेंट सी एक लुक दें, ये देखिए इस तरह से। ड्रेस में हेमिंग की गई है, आप चाहें तो इसको स्टिच भी लगवा सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हेमिंग खराब हो जाती है तो हमें जो है वो स्टिच लगाते हैं, तो हम लोग स्टिच भी लगा देते हैं और हेमिंग भी करते हैं। शर्ट की बैक साइड सिंपल स्टिच की गई है, नेकलाइन इसकी राउंड है और इसमें कोई पैनल्स नहीं बनाए गए हैं, पैनल्स जस्ट फ्रंट में बनाए गए हैं। बैक दामन में कुछ इस तरह से लेस लगाई गई है, ये देखिए जिस तरह से। आप अगर इसको और हैवी करना चाहते हैं तो आप ऑर्गेन्जा के साथ भी इस लेस को फिक्स कर सकते हैं, जैसे इसके दुपट्टे में लेस फिक्स हुई है, अभी आप देखेंगे आगे दुपट्टा भी इसका, ठीक है। स्लीव्स के सामने जो ओपनिंग है वो नॉर्मल है और सामने उसमें लेस है और उसी तरह से जैसे दामन में पिनटेक्स है ना, बिल्कुल उसी तरह से इसके स्लीव्स में पिनटेक्स है ऊपर और नीचे लेस के साथ, ये देखिए। अब आपको दिखा रही हूँ दुपट्टा, ये देखें जी दुपट्टे में इस तरह से लेस लगाई गई है, ऊपर उसमें लेस है और नीचे ऑर्गेन्जा। आप शर्ट के दामन में भी ऐसे अगर एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, ये देखें।
दुपट्टे में ऑल राउंड इसी तरह से लेस लगाई गई है, ऊपर लेस है और नीचे इसमें ऑर्गेंजा है और साथ में फैशन पट्टी लगाई गई है ताकि दुपट्टे की जो है वो पूरी एक जैसी लुक क्रिएट हो जाए। देखिए इस तरह से। अब चलते हैं जी ड्रेस की ऑल ओवर लुक की तरफ की ऑल ओवर लुक कैसी है। ये इसकी नेकलाइन है, सिलाइयां एंकर की आपको क्लियर नजर आई होंगी किस तरह से हैं। और उसके अलावा जी ये इसके स्लीव्स हैं, ऊपर और नीचे इसमें जॉइंट लेस लगी हुई है, सामने इसमें जो है वो मिल्की लेस है जिसको डाई करवा के लगाया गया है, दुपट्टे में भी इसी तरह से है मिल्की लेस है, साथ में ऑर्गेन्जा ये देखिए इस तरह से प्रॉपर एक फिनिशिंग के साथ जो है वो ऑर्गेन्जा के साथ लेस को अटैच किया गया है। और ये जी शर्ट के पैनल आपको क्लियर नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको पिनटेक्स भी दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से ऊपर और नीचे लेस है और साथ में इसमें पिनटेक्स आ रहे हैं। अब आपको दिखाऊंगी फुल लुक के ड्रेस की फुल लुक कैसी है। ये जी ड्रेस की फुल लुक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास जो ड्रेस है मस्टर्ड कलर का, बहुत ही नाइस कॉम्बिनेशन है, राउंड और वी के साथ इसकी नेक है और ये नेकलाइन एम्ब्रॉयडरी था जो ड्रेस के साथ आया था, इसी तरह से इसके ऊपर जो है वो हमने अप्लाई करवा दिया है। फ्रंट दामन में लेस लगी हुई है और बॉर्डर जो है वो उसको ड्रेस के ऊपर रख के लगाया है, ठीक है। और जो इसके स्लिट्स हैं उसमें पाइपिंग की गई है, जो इसके स्लीव्स है उसका जो कटवर्क है उसको कटवर्क करवा के और उसमें नीचे से जो है वो लेस लगाई गई है ताकि एक प्रॉपर नीट सी लुक लगे कटवर्क की, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि लेस थोड़ी सी चौड़ी है और वो जो उसकी कटवर्क की गहराई है उसको कवर कर रही है। बैक नेकलाइन इसकी राउंड है और बैक दामन के ऊपर भी इसी तरह से जो है वो ऊपर रख के बॉर्डर लगाया गया है और साथ में इसके साथ जो है वो लेस लगाई गई है। ट्राउजर इसका बहुत नाइस है और दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, ये देखें जी ये इसका ट्राउजर है, सारे इसमें स्ट्रेट पिनटेक्स आ रहे हैं और जो इस तरह से वी की लुक बना रहा है ना साइड में, इस तरह से ये देखिए कटवर्क की लुक बना रहा है, आपकी जो एंकल की साइड है ना वहां पर कटवर्क की लुक आएगी इसकी, ये देखिए इस तरह से। और ऊपर इसमें ज्वाइंट लेस फिक्स हुई हुई है और बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो ट्राउजर का लुक है। अब आपको दिखा रही हूँ दुपट्टा, इसके साथ ऑर्गेन्जा दुपट्टा है, इसमें मल्टी कलर के जो है वो इसमें कटवर्क्स बनाए गए हैं, साथ में लेस फिक्स की गई है, ये देखिए इस तरह से अंदर वाली साइड से इस तरह नजर आएंगे और बाहर से जो है वो ये लेस के नीचे बहुत अच्छे और नाइस लगेंगे, ये देखिए इस तरह से। इस डिजाइन को आप किसी शर्ट पर भी बना सकते हैं, ट्राउजर पर भी बना सकते हैं, स्लीव्स पर भी बना सकते हैं और दुपट्टे पर तो ये ग्रेसफुल लगता ही है। अब आपको दिखाऊंगी ड्रेस की ऑल ओवर लुक ताकि आप स्क्रीनशॉट्स ले सकें। ये जी इसके स्लीव्स हैं और ये मैं आपको इसको क्रीव से दिखाती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखें जी इस तरह से इसको लेस लगी हुई है, ऊपर से कटवर्क करके नीचे उसमें लेस लगाई गई है, ये देखिए इस तरह से कटवर्क की जो गहराई है उसको लेस कवर कर रही है। ये दुपट्टा है और दुपट्टे में ये देखें इस तरह से इसमें मल्टी कलर्स के जो है वो कटवर्क्स लगाए गए हैं और साथ में जो है इसमें लेस लगाई गई है। ये ट्राउजर का खूबसूरत पांचा है, बहुत ही नाइस इसकी जो है वो लुक है। ये डिजाइन स्लीव्स पर भी बहुत अच्छा लगता है, ये वाला डिजाइन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं जी फाइनल एक बार जो है वो शर्ट की तरफ। ये देखें जी ये शर्ट का दामन है, इसी तरह शर्ट के दामन में लेस लगाई गई है। फुल लुक दिखाऊंगी आपको ड्रेस की, ये देखें जी ये इस तरह से फुल लुक है। नेक्स्ट मेरे पास ये जो ड्रेस है ये इलान की रेप्लिका है लेकिन बहुत नाइस स्टिच हुई है, राउंड नेक है और साथ में इसके ऊपर जो है वो लूप्स वाली डोरी लगाई गई है। बेसिकली ये ड्रेस मैंने आपके साथ ट्राउजर के लिए शेयर किया है, बहुत नाइस ट्राउजर स्टिच हुआ है इसका। स्लीव्स इसके सामने इस तरह से है, छोटी सी एक लेस लगी हुई है, शॉर्ट शर्ट है और साथ में उसके जो है वो ट्राउजर है, बड़ा ही नाइस और एलिगेंट सा, बहुत ज्यादा फिटेड भी नहीं और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है, ये देखें ये ट्राउजर है, वेरी नाइस। स्लीव्स पर भी बहुत अच्छा लगता है ये डिजाइन और दामन पर भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखें जी ये इसका दामन है, पैनल वाली फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है और नीचे इसमें जो है वो ग्रीन कलर में हमने फैशन पट्टी दी है ताकि ड्रेस जो है वो काफी इनहेंस हो जाए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। इस ड्रेस का भी ट्राउजर बहुत नाइस है, नेकलाइन इसकी राउंड है, स्लिट में इसके जो है वो बटन्स लगे हुए हैं और इसमें अभी ना रिंग लगने हैं, रिंग हमारे बन के नहीं आए हैं इसकी स्लिट्स में लगने वाले, तो वो जब आएंगे तो फिक्स होंगे इंशाल्लाह। और इसका जो दामन है उसमें जामावार की पाइपिंग की गई है, ड्रेस ये लॉन का है, बरीजा एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर और ऑलराउंड इसमें जो है वो अच्छे वाली जामावार की पाइपिंग की गई है, ये देखिए बैक नेकलाइन राउंड है और ये बाकी सारी इसमें जो है वो पाइपिंग ही है। ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स में भी इसी तरह से पाइपिंग की गई है। जामावार अगर आपकी अच्छी क्वालिटी की है और उसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता या वो धागे धागे निकल के ख़राब नहीं होती तो लॉन के साथ भी जामावार अगर ड्रेस को फॉर्मल करना चाहते हैं ना तो बहुत एलिगेंट लगती है। ये देखें जी ये इसका ट्राउजर है, ऊपर इसमें कटवर्क हुए हुए हैं, साथ में इसमें लूप्स आ रहे हैं और साथ ही इसमें जो है वो पिनटेक्स बने हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी क्रीव, बल्कि अभी मैं आपको ऑल ओवर लुक में दिखाऊंगी ना वहां आप इसका जो है वो स्पेशली स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्मार्ट ट्राउजर के साथ, ये डिजाइन बहुत ही नाइस लगता है। दुपट्टे में ऑल राउंड जो है इसमें जामावार की पाइपिंग की गई है, ये देखें जी इस तरह से दुपट्टा है।
अब आपको दिखाऊंगी ड्रेस की ऑल ओवर लुक, के ड्रेस ऑल ओवर लुक में दिखने में कैसा है। आपने जो इसके ट्राउजर का डिजाइन है उसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, और ये स्लीव्स पर भी बहुत अच्छा लगता है और ट्राउजर पर भी बहुत अच्छा लगता है ये वाला डिजाइन। आई होप जी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो आप नहीं करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा अपना, बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, घर में सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।